नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पारसी जाति पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जयराम पेशा कानून को हटवाने में मसूरियाद्दीन ने अहम भूमिका निभाई थी। 31 अगस्त पारसी समाज के लिए एक त्यौहार जैसा है। जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत पारसी लाखन आर्मी कानपुर और दीपक पारसी विधानसभा अध्यक्ष महाराजपुर सुयश पारसी जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि बापू मसूरियाद्दीन पारसी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। पारसी जाति सहित भारत की 200 जातियों पर लगे जयराम पेशा एक्ट को हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले मसूरियाद्दीन को नई पीढ़ी के लोग बहुत कम जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बावजूद भी भारत के इतिहासकारों ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बापू मसूरियाद्दीन पारसी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनके इतने अहम योगदान के बावजूद भी भारत के जातिवादी और पक्षपाती इतिहासकारों ने उन्हें भारतीय इतिहास में वो जगह नहीं दी जिनके वो हकदार थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मसूरियाद्दीन ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था और करीब 9 वर्षों तक जेल में रहे। संघर्ष के दौरान नेहरू जी के साथ कई बार जेल गए। आजादी के बाद 1951 में प्रथम लोकसभा में फूलपुर से सांसद रहे। 1952 से लेकर 1967 तक संसद सदस्य रहे। वही महाशय मसूरियाद्दीन पारसी समाज को अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जयराम पेशा एक्ट को खत्म कराकर एक नया जीवन दान दिया। जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत पासी, सुयश पासी जिला उपाध्यक्ष दीपक पासी, विधानसभा अध्यक्ष सुमन पासी, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शेष नारायण और गुड्डन पासी, जिला महासचिव विनित पासी, जिला महामंत्री धनंजय पासी, जीतू पासी, जगदीश पासी, जितेंद्र पासी, जिला मंत्री राहुल पासी, जिला सचिव जीतू पासी, ओम प्रकाश पासी, राजेंद्र पासी, पवन पासी और सभी पदाधिकारी सदस्य लोग शामिल रहे। मैं प्रदीप रावत पासी, लाखन आर्मी टीम का जिला अध्यक्ष, और आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा विमुक्ति दिवस है, क्योंकि सन 1871 में काला कानून लगाया अंग्रेजों गोरों ने, जो 1952 तक चला, इसको जराय मुक्त कानून कहते हैं, जिसकी वजह से हम समाज से बहिष्कार हो गए, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लग गया, हम समाज में आ नहीं सकते थे। तो हमारे बापू मसूरियाद्दीन पासी, जो वर्तमान में उस समय सांसद थे, और उन्होंने 31 अगस्त 1952 को पासी समाज के साथ साथ में 200 जातियों को विमुक्त कराया, उसी का मैं आज पर्व मना रहा हूं। ये पर्व पासी समाज के लिए किसी दिवाली से कम नहीं, किसी होली से कम नहीं है। मैं पासी समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि पासी समाज हमारा जो क्रिमिनल एक्ट लगने की वजह से विघटित हो गया, जो इधर उधर छिप गया, तो मैं सबको एक ये संदेश देना चाहता कि वो संगठन के संगठित हो। उसके लिए हमारी पार्टी कहीं भी मीटिंग करती है, या कोई गरीब परिवार का बच्चा होता है, हम लोग सोशलाइज होकर उनको शिक्षा का ग्रहण करने के लिए योगदान भी करते हैं। जी, इसके लिए हम लोगों ने पहल शुरुआत कर दी है, और ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम लोगों को जरायम एक्ट कानून के अंतर्गत रखा गया, और उस वक्त जो भी इतिहासकार थे वो सवर्ण वर्ग के लोग थे, उन्होंने जैसा मनमाना चाहा वैसा रखा, और हमारे 1857 की गदर में हमारे बहुत से पासी समाज के लोग और भी समाज के लोग जिन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनका नाम आज खत्म कर दिया गया। माननीय मोदी जी से, जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम उजागर हो। हमारा जो ये पासी समाज है, हम वंशज, हमारे जो वंशज हैं वो राजा महाराजा रहे, बहुत से हमारे राजा रहे, हमारे समाज के ऐसे लोग रहे जिन्होंने राजपाट भी, बहुत से मुगलों का वापस करने का भी काम किया, युद्ध लड़ने का काम किया, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसमें हमारे बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी, और आज भी हमारा समाज जो बिखरा हुआ है, मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जब लग हम लोग बिखरे रहेंगे तब लग हम लोग संगठित नहीं हो सकते, और जब हम संगठित होंगे तभी हम अपने समाज की उन्नत कर सकते हैं। मैं प्रदीप रावत पासी,
लाखन आर्मी टीम का जिला अध्यक्ष और आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा भी मुक्ति दिवस है, क्योंकि सन 1871 में काला कानून लगाया अंग्रेजों गोरों ने, जो 1952 तक चला, इसको जराय मुक्त कानून कहते हैं, जिसकी वजह से हम समाज से बहिष्कार हो गए, हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लग गया, हम समाज में आ नहीं सकते थे। तो हमारे बापू मसूरियादीन पासी, जो वर्तमान में उस समय सांसद थे, और उन्होंने 31 अगस्त 1952 को पासी समाज के साथ साथ में 200 जातियों को विमुक्त कराया, उसी का मैं आज पर्व मना रहा हूं। ये पर्व पासी समाज के लिए किसी दिवाली से कम नहीं, किसी होली से कम नहीं है। मैं पासी समाज को यह संदेश देना चाहता हूं कि पासी समाज हमारा जो क्रिमिनल एक्ट लगने की वजह से विघटित हो गया, जो इधर उधर छिप गया, तो मैं सबको एक ये संदेश देना चाहता कि वो संगठन के संगठित हो। उसके लिए हमारी पार्टी कहीं भी मीटिंग करती है, या कोई गरीब परिवार का बच्चा होता है, हम लोग सोशलाइज होकर उनको शिक्षा का ग्रहण करने के लिए योगदान भी करते हैं। जी, इसके लिए हम लोगों ने पहल शुरुआत कर दी है, और ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम लोगों को जराय मुक्त कानून के अंतर्गत रखा गया, और उस वक्त जो भी इतिहासकार थे वो सवर्ण वर्ग के लोग थे, उन्होंने जैसा मनमाना चाहा वैसा रखा, और हमारे 1857 की गदर में हमारे बहुत से पासी समाज के लोग और भी समाज के लोग जिन्होंने संघर्ष किया स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनका नाम आज खत्म कर दिया गया। माननीय मोदी जी से, जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी महोदय हैं, उनसे मैं विनती करना चाहता हूं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम उजागर हो। हमारा जो ये पासी समाज है, हम वंशज, हमारे जो वंशज हैं वो राजा महाराजा रहे, बहुत से हमारे राजा रहे, हमारे समाज के ऐसे लोग रहे जिन्होंने राजपाट भी, बहुत से मुगलों का वापस करने का भी काम किया, युद्ध लड़ने का काम किया, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसमें हमारे बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी, और आज भी हमारा समाज जो बिखरा हुआ है, मैं अपने समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जब लग हम लोग बिखरे रहेंगे तब लग हम लोग संगठित नहीं हो सकते, और जब हम संगठित होंगे तभी हम अपने समाज की उन्नत कर सकते हैं।